हेलो फ्रेंड्स, ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। सबसे पहले इस चैनल के सब्सक्राइबर के लिए एक मैसेज है कि वी आर गोइंग टू चेंज द नेम ऑफ दिस चैनल फ्रॉम ऑनलाइन क्लासेस टू लर्निंग स्टान ऑन 15th अगस्त 2019। यह नाम लर्निंग और हमारा प्यारा हिंदुस्तान से डिराइव किया गया है। आई होप कि चैनल के इस नए नाम से आप सेटिस्फाइड होंगे और हमारे साथ जुड़े रहेंगे। ओके, तो बढ़ते हैं अब आज के टॉपिक की तरफ। आज का टॉपिक है फ्रैक्शनल किलोवाट मोटर एंड स्पेशल मोटर। हम लोग अभी तक क्वेश्चन नंबर 50 तक सॉल्व कर चुके हैं, तो आज के इस लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 51 से स्टार्ट करेंगे। ओके, लेकिन क्लास को स्टार्ट करने से पहले यदि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें सो दैट आपको नई नई वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। ओके फ्रेंड्स, तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। क्वेश्चन नंबर 51 ये कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मोटर विल गिव रिलेटिव हाई स्टार्टिंग टॉर्क, यानी कि इनमें से कौन सा मोटर है जो कि हाई स्टार्टिंग टॉर्क देता है। तो इसका आंसर होगा कैपेसिटर स्टार्ट मोटर, यानी कि ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 52 ये कहता है कि फॉर अ सिंगल फेज कैपेसिटर स्टार्ट इंडक्शन मोटर विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज वैलिड। तो इस क्वेश्चन में दिए हुए चारों स्टेटमेंट को रीड करिए। यहाँ ऑप्शन ए में कहता है कि द कैपेसिटर यूज्ड फॉर पावर फैक्टर इम्प्रूवमेंट, ये स्टेटमेंट रॉन्ग है क्योंकि सिंगल फेज कैपेसिटर स्टार्ट इंडक्शन मोटर में जो कैपेसिटर हम यूज करते हैं दैट इज फॉर इम्प्रूवमेंट ऑफ स्टार्टिंग टॉर्क। स्टार्टिंग टॉर्क को बढ़ाने के लिए हम यहाँ पे कैपेसिटर यूज करते हैं। नेक्स्ट स्टेटमेंट को आप रीड करिए, ऑप्शन बी ये कहता है कि द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन कैन बी चेंज्ड बाय रिवर्सिंग द मेन वाइंडिंग टर्मिनल। यस, दिस स्टेटमेंट इज ट्रू क्योंकि यदि हम मेन वाइंडिंग के टर्मिनल को रिवर्स कर दें तो मोटर में प्रोड्यूस होने वाले रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन रिवर्स हो जाता है, जिसकी वजह से मोटर के रोटेशन का डायरेक्शन रिवर्स हो जाता है। ओके, यदि स्टेटमेंट में ये कहता कि द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन कैन बी चेंज्ड बाय रिवर्सिंग द ऑक्सिलरी वाइंडिंग तो ये स्टेटमेंट भी सही होता क्योंकि या तो हम मेन वाइंडिंग के टर्मिनल को रिवर्स करें या फिर ऑक्सिलरी वाइंडिंग के टर्मिनल को रिवर्स करें, दोनों में से किसी एक को रिवर्स करने से हमें डायरेक्शन ऑफ रोटेशन रिवर्स मिलेगा। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। यहाँ ऑप्शन सी को भी देख लीजिए, ये कहता है कि द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन कैन नॉट बी चेंज्ड, ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। और ऑप्शन डी कहता है कि द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन कैन बी चेंज्ड बाय इंटरचेंजिंग द सप्लाई टर्मिनल्स तो ये स्टेटमेंट भी रॉन्ग है क्योंकि यदि आप सप्लाई टर्मिनल को चेंज करोगे तो वैसे केस में मेन वाइंडिंग और ऑक्सिलरी वाइंडिंग दोनों के थ्रू फ्लो होने वाले करंट का डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगा, यानी कि IMW एंड IAW दोनों का डायरेक्शन चेंज हो जाएगा तो डायरेक्शन ऑफ रोटेशन चेंज नहीं होगा, टॉर्क का डायरेक्शन सेम ही रहेगा। ओके, सो ऑप्शन डी इज रॉन्ग स्टेटमेंट। ओके, बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 53। ये कहता है कि इफ अ सिंगल फेज इंडक्शन मोटर रन्स स्लोअर देन नॉर्मल द मोस्ट लाइकली डिफेक्ट इज व्हाट, यानी कि यदि एक सिंगल फेज इंडक्शन मोटर नॉर्मल स्पीड से कम स्पीड पे रन करे तो उसमें कौन सा डिफेक्ट हो सकता है, या फिर ये कहें कि क्या वजह हो सकती है स्पीड के कम होने की। ओके, तो यहाँ देखिए, यदि सिंगल फेज इंडक्शन मोटर अपने नॉर्मल स्पीड से कम स्पीड पे रन करे तो उसकी वजह इनमें से कोई भी हो सकता है। फर्स्ट रीजन ये हो सकता है वॉर्न बियरिंग्स, दूसरा रीजन हो सकता है कि सप्लाई वोल्टेज का लो हो जाना, और तीसरा रीजन ये हो सकता है कि मोटर हमारा ओवरलोड हो गया हो। तीनों केस में हम ये पाएंगे कि सिंगल फेज इंडक्शन मोटर की स्पीड कम हो गई है। ओके, तो यहाँ देखिए ऑप्शंस में इन तीनों में से कौन सा अवेलेबल है, तो यहाँ पर वॉर्न वियरिंग्स अवेलेबल है
सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। यहाँ पर एक एक्स्ट्रा पॉइंट आप नोट करिएगा कि जिस तरह से इन तीनों वजहों के कारण सिंगल फेज इंडक्शन मोटर की स्पीड कम हो जाती है, सेम उसी तरह इन तीनों रीजन के कारण मोटर ओवर हीटेड हो जाता है। ओके तो अगर क्वेश्चन में पूछे मोटर का ओवर हीट हो जाना किस वजह के कारण होता है, तो आप इन तीनों ऑप्शंस को मार्क करेंगे। इसके अलावा शॉर्ट सर्क्यूट इन द वाइंडिंग आप इसको भी ऐड करेंगे, क्योंकि इसकी वजह से भी मोटर ओवर हीटेड हो जाता है। ओके तो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 54 ये कहता है कि इन विच सिंगल फेज मोटर द रोटर हैज नो टीथ और वाइंडिंग्स, यानी कि इनमें से कौन सा मोटर है जिसके रोटर में ना तो टीथ होते हैं ना ही वाइंडिंग्स होती हैं। तो हम लोग पिछले लेक्चर में देख चुके हैं कि हिस्टेरेसिस मोटर का जो रोटर होता है वो एक सॉलिड सिलेंडर होता है, और इस तरह के रोटर में ना ही स्लॉट्स होते हैं और ना ही टीथ होंगे और ना ही इसमें कोई वाइंडिंग्स होंगे। ओके सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। देखिए अब अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 55 ये कहता है कि द रेंज ऑफ एफिशिएंसी फॉर शेडेड पोल मोटर्स इज व्हाट, यानी कि शेडेड पोल मोटर की एफिशिएंसी का रेंज बताइए कि क्या होगा। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। शेडेड पोल मोटर की एफिशिएंसी बहुत ही कम होती है, इट इज अराउंड 5% to 35%। ओके तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 56 ये कहता है कि द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन ऑफ यूनिवर्सल मोटर कैन बी रिवर्स्ड बाय रिवर्सिंग द फ्लो ऑफ करंट थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग वाइंडिंग्स, यानी कि यदि हमें यूनिवर्सल मोटर के रोटेशन का डायरेक्शन रिवर्स करना हो तो हमें किस वाइंडिंग के करंट को रिवर्स करना पड़ेगा। ओके तो यहाँ देखिए यूनिवर्सल मोटर होता है एसी सीरीज मोटर, और यहाँ पे सीरीज कहने का मतलब ये है कि इस मोटर का आर्मेचर वाइंडिंग और फील्ड वाइंडिंग दोनों सीरीज में कनेक्टेड होते हैं। जब ये दोनों वाइंडिंग सीरीज में कनेक्टेड होंगे तो जाहिर सी बात है कि दोनों में फ्लो होने वाला जो करंट होगा दैट विल बी सेम, यानी कि आर्मेचर करंट आर्मेचर वाइंडिंग में भी फ्लो करेगा और यही आर्मेचर करंट फील्ड वाइंडिंग में भी फ्लो करेगा। ओके अब देखिए यूनिवर्सल मोटर के रोटेशन का डायरेक्शन आपको चेंज करना है तो इसके लिए आप टॉर्क के बारे में जानिएगा कि टॉर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्लक्स इनटू आर्मेचर करंट, और यही तो आर्मेचर करंट है जो कि फील्ड वाइंडिंग में भी फ्लो करता है। ये करंट जब फील्ड वाइंडिंग में फ्लो करेगा तो यहां से फ्लक्स प्रोड्यूस करेगा जो कि हेल्प करता है टॉर्क प्रोड्यूस होने में। ओके यदि यहाँ पर हम इस टॉर्क को रिवर्स कर दें तो हमारे मोटर के रोटेशन का डायरेक्शन भी रिवर्स हो जाएगा, तो हमारा मेन फोकस है इस टॉर्क को रिवर्स करना। तो यहाँ से देखिए आप टॉर्क को दो तरीकों से रिवर्स कर सकते हैं, या तो आप सिर्फ फ्लक्स को रिवर्स कर लीजिए या फिर आप आर्मेचर वाइंडिंग के करंट को रिवर्स कर लीजिए, जिससे आपको रिवर्स टॉर्क मिलेगा। ओके यहाँ पर हम या तो फील्ड वाइंडिंग के टर्मिनल को रिवर्स कर दें या फिर हम आर्मेचर वाइंडिंग के टर्मिनल को रिवर्स कर दें, दोनों में से कोई एक तरीका यदि हम अपनाते हैं तो हमें मोटर का डायरेक्शन रिवर्स मिलेगा। ओके तो आप ऑप्शंस को देखिए, ऑप्शन सी कहता है कि इधर आर्मेचर वाइंडिंग और फील्ड वाइंडिंग, तो फाइनली ऑप्शन सी इज करेक्ट। ओके यहाँ पर आप एक और पॉइंट नोट करिएगा, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यूनिवर्सल मोटर, कि यदि आपको यूनिवर्सल मोटर का डायरेक्शन ऑफ रोटेशन चेंज करना है तो उसके लिए आपके पास एक और मेथड है कि इंटरचेंज द ब्रश लीड्स, यानी कि आप ब्रश लीड्स को इंटरचेंज करके यूनिवर्सल मोटर के रोटेशन का डायरेक्शन आप रिवर्स कर सकते हैं। ओके क्वेश्चन नंबर 57 ये कहता है कि द यूनिवर्सल मोटर कैन बी ऑपरेटेड ऑन 220 वोल्ट डीसी सप्लाई एज वेल एज 220 वोल्ट सिंगल फेज एसी सप्लाई, विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी द सेम इन द टू केसेस, यानी कि इस क्वेश्चन में कहता है कि एक बार यूनिवर्सल मोटर को 220 वोल्ट डीसी सप्लाई से कनेक्ट करिए और एक बार 220 वोल्ट सिंगल फेज एसी सप्लाई से कनेक्ट करिए, तो आप ऑब्जर्व करके बताइए कि दोनों ही सप्लाई के केस में यूनिवर्सल मोटर से आपको क्या क्या चीजें सेम मिलने वाली हैं। ओके ये है हमारा क्वेश्चन। क्वेश्चन में आगे बढ़ने से पहले हम यहाँ देख लेते हैं कि क्वेश्चन में बोला है एक तो 220 वोल्ट डीसी, यानी कि दिस वैल्यू इज 220 वोल्ट, और 220 वोल्ट सिंगल फेज एसी
कहने का मतलब है कि इसका जो पीक वैल्यू होगा दैट विल बी इक्वल टू 220 मल्टीप्लाई विथ रूट टू। ओके, तो अब आते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन में यूनिवर्सल मोटर के बारे में बात किया है, तो सबसे पहले इन केस ऑफ डीसी सप्लाई स्पीड ऑफ यूनिवर्सल मोटर इज हायर देन स्पीड ऑफ यूनिवर्सल मोटर इन केस ऑफ एसी सप्लाई। डीसी सप्लाई के टाइम पे इसकी स्पीड ज्यादा होती है एज कंपेयर टू एसी सप्लाई के टाइम पे। दूसरा पॉइंट आप नोट करिएगा कि जब हम यूनिवर्सल मोटर को डीसी से कनेक्ट करते हैं तो जो इसका आउटपुट पावर होगा दैट इज मोर देन दैट ऑफ सिंगल फेज एसी सप्लाई। जब आप सिंगल फेज एसी सप्लाई से कनेक्ट करेंगे तो जितना आउटपुट पावर आपको मिलने वाला है उससे ज्यादा आउटपुट पावर आपको डीसी सप्लाई से कनेक्ट करने पर मिलेगा। यानी कि यहां से आप ये कह सकते हैं कि यूनिवर्सल मोटर की स्पीड हो या फिर इसका आउटपुट पावर हो, दोनों ही डीसी के केस में ज्यादा होता है एज कंपेयर टू सिंगल फेज एसी सप्लाई। ओके, लेकिन क्वेश्चन में पूछा है कि इसमें से कौन सी चीजें आपको सेम मिलने वाली है, तो आपको स्पीड तो सेम नहीं मिलेगी, आउटपुट पावर भी आपको सेम नहीं मिलेगा। ओके, तो यहां से देखिए ऑप्शन ए कहता है ऑपरेटिंग स्पीड, तो ये रॉन्ग है। ऑप्शन बी कहता है आउटपुट पावर, दिस इज ऑल्सो रॉन्ग। ऑप्शन सी कहता है ऑपरेटिंग स्पीड एंड आउटपुट पावर बोथ, दिस इज ऑल्सो रॉन्ग। ऑप्शन डी कहता है नन ऑफ द अबव। यस, दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट, क्योंकि इनमें से कोई भी डीसी और एसी के टाइम पे हमें सेम नहीं मिलता है, सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 58। ये कहता है कि इन अ सिंगल फेज इंडक्शन मोटर एट स्टार्ट द टू रिवॉल्विंग फील्ड्स प्रोड्यूस विच ऑफ द फॉलोइंग। तो इस टाइप का क्वेश्चन प्रीवियस लेक्चर में हम देख चुके हैं, यहाँ पे हम डायरेक्ट आंसर को मार्क करेंगे कि अकॉर्डिंग टू टू रिवॉल्विंग फील्ड थ्योरी सिंगल फेज इंडक्शन मोटर में इक्वल एंड अपोजिट टॉर्क प्रोड्यूस होते हैं इन द रोटर कंडक्टर्स, सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 59। ये कहता है कि इन अ कैपेसिटर स्टार्ट सिंगल फेज इंडक्शन मोटर द करंट इज व्हाट। तो यहां देखिए कैपेसिटर स्टार्ट इंडक्शन मोटर में जो कैपेसिटर होता है वो कहां पे कनेक्टेड होता है, कैपेसिटर इज कनेक्टेड विद ऑक्सिलरी वाइंडिंग इन सीरीज। ओके, कुछ इस तरह का कॉम्बिनेशन बनता है कि दिस इज ऑक्सिलरी वाइंडिंग और यहाँ पर एक सेंट्रीफ्यूगल स्विच होता है, इसके साथ हम कैपेसिटर को कनेक्ट करते हैं। ओके, जब हम इस स्विच को क्लोज करेंगे तो ऑक्सिलरी वाइंडिंग और कैपेसिटर बोथ आर कनेक्टेड इन सीरीज और जो भी करंट यहाँ से फ्लो करेगा वो लीडिंग इन नेचर होगा, सो दिस करंट विल लीड द सप्लाई वोल्टेज। तो आप ऑप्शंस को रीड करिए, ऑप्शन डी में कहता है कि द करंट इन द स्टार्टिंग वाइंडिंग लीड्स द वोल्टेज। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 60। ये कहता है कि इफ द सेंट्रीफ्यूगल स्विच ऑफ अ सिंगल फेज रेसिस्टेंस स्प्लिट इंडक्शन मोटर डज नॉट ओपन आफ्टर स्टार्टिंग देन व्हाट विल हैपन। यहाँ पर रेसिस्टेंस स्प्लिट इंडक्शन मोटर दिया है, तो इस मोटर के केस में यदि हम सेंट्रीफ्यूगल स्विच को ओपन ना करें वैसे केस में इट विल ड्रॉ हाई करंट एंड गेट ओवरहीटेड। ये बहुत हाई करंट ड्रॉ करेगा और फिर ओवरहीट हो जाएगा। ओके, ऑप्शन डी इज करेक्ट। सेम टाइप का एक क्वेश्चन प्रीवियस किसी लेक्चर में हम लोग कर चुके हैं जिसमें कि गिवन था कैपेसिटर स्टार्ट मोटर या फिर टू वैल्यू कैपेसिटर मोटर गिवन था, तो आप उस क्वेश्चन को भी देख लीजिएगा। ओके, बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 61। ये कहता है कि ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग अ शेडेड पोल मोटर इज ट्रू एक्सेप्ट विच ऑफ द फॉलोइंग। तो ऑप्शंस को देखिए, ऑप्शन ए कहता है इट्स डायरेक्शन ऑफ रोटेशन इज फ्रॉम अनशेडेड टू शेडेड पोर्शन ऑफ द पोल्स। ये स्टेटमेंट सही है, पिछले लेक्चर में इस क्वेश्चन को हम बहुत अच्छे तरीके से समझा चुके हैं शेडेड पोल मोटर के कंस्ट्रक्शन के साथ, तो आप वहां से देख सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन को देखिए, ऑप्शन बी कहता है कि इट हैज वेरी पुअर एफिशिएंसी। यस, ये भी स्टेटमेंट सही है क्योंकि इसकी एफिशिएंसी
5% से लेके 35% के बीच ही होती है, इससे ज़्यादा इसकी एफिशिएंसी नहीं होती है। ओके, ऑप्शन सी कहता है इट हैज़ वेरी पुअर पावर फैक्टर। यस, दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो करेक्ट। लास्ट ऑप्शन कहता है इट हैज़ हाई स्टार्टिंग टॉर्क। दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग, क्योंकि शेडेड पोल मोटर का जो स्टार्टिंग टॉर्क होता है दैट इज वेरी वेरी लेस अमंग ऑल सिंगल फेज इंडक्शन मोटर। सो फाइनली ऑप्शन डी इज करेक्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 62। ये कहता है डैश इज एन अनएक्साइटेड सिंगल फेज सिंक्रोनस मोटर, तो इसका आंसर होगा रिलक्टेंस मोटर, यानी कि ऑप्शन ए इज करेक्ट, क्योंकि रिलक्टेंस मोटर में हमें डीसी एक्साइटेशन की जरूरत नहीं होती है, इसलिए ऑप्शन ए यानी कि रिलक्टेंस मोटर इज अनएक्साइटेड सिंगल फेज सिंक्रोनस मोटर। ओके, बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 63। ये कहता है कि सिंगल फेज मोटर इज मेड सेल्फ स्टार्टिंग बाय एडिशन ऑफ व्हाट, तो इसका आंसर होगा स्टार्टिंग वाइंडिंग, यानी कि ऑप्शन बी इज करेक्ट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 64। ये कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट लो फ्रीक्वेंसी ऑपरेशन ऑफ एसी सीरीज मोटर, यानी कि एसी सीरीज मोटर के लो फ्रीक्वेंसी ऑपरेशन के बारे में इनमें से कौन सी बात सही है। तो यहां से देखिए कि हम एसी सीरीज मोटर को लो वोल्टेज और लो फ्रीक्वेंसी पर ही ऑपरेट कराना प्रेफर करते हैं, लेकिन इस क्वेश्चन में सिर्फ लो फ्रीक्वेंसी के बारे में पूछा है, तो हम देखते हैं कि लो फ्रीक्वेंसी पे ऑपरेट कराने से हमें क्या क्या मिलेगा। तो यहां से देखिए कि एज फ्रीक्वेंसी इज लेस सो एक्सएल इज इक्वल टू 2πfL विल बी ऑल्सो लेस। फ्रीक्वेंसी कम होने की वजह से इसका रिएक्टेंस कम होगा, यानी कि जो एक्सएल है दैट विल बी लेस। यदि रिएक्टेंस कम होता है तो हम कह सकते हैं कि जो इम्पेडेंस होगा दैट विल बी ऑल्सो लेस, एंड वी नो दैट पावर फैक्टर इज इक्वल टू आर डिवाइडेड बाय जेड। यदि फ्रीक्वेंसी के कम होने की वजह से रिएक्टेंस कम होता है और फिर हमारा इम्पेडेंस कम हो जाएगा, तो इम्पेडेंस के कम होने से पावर फैक्टर विल बी मोर, यानी कि यहाँ पर लो फ्रीक्वेंसी ऑपरेशन से हमें ये फायदा मिला कि पावर फैक्टर इम्प्रूव हो गया। ओके, अब दूसरा पॉइंट देखिए कि एज वी नो आयरन लॉस डिपेंड्स ऑन फ्रीक्वेंसी, तो यदि हम फ्रीक्वेंसी को कम करेंगे तो इसका आयरन लॉस भी कम होगा, और जब किसी मशीन में लॉसेस कम होते हैं तो उसकी एफिशिएंसी बढ़ जाएगी। यहाँ पर आप लो फ्रीक्वेंसी पे ऑपरेट कराने के दो फायदे देख चुके हैं, एक है पावर फैक्टर इम्प्रूवमेंट और दूसरा है हायर एफिशिएंसी। और तीसरा पॉइंट आप नोट करिए कि लो फ्रीक्वेंसी पे ऑपरेट कराने की वजह से इस मोटर का कॉम्यूटेशन भी इम्प्रूव होता है। तो ये तीन फायदे हो गए। अब आप ऑप्शंस की तरफ देखिए, ऑप्शन बी में कहता है कि इट इम्प्रूव्स कॉम्यूटेशन प्रॉपर्टी पावर फैक्टर एंड एफिशिएंसी, यानी कि ये तीनों को इम्प्रूव करता है। सो फाइनली ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 65। ये कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट इकोनॉमिकल मेथड फॉर स्टार्टिंग सिंगल फेज मोटर, यानी कि इन चारों मेथड में कौन सा सबसे सस्ता मेथड है सिंगल फेज मोटर को स्टार्ट करने का, तो इसका आंसर होगा कैपेसिटर स्टार्ट मेथड, यानी कि ऑप्शन ए इज करेक्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 66। ये कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन अवेलेबल ऑन द नेम प्लेट ऑफ अ मोटर, एक मोटर के नेम प्लेट पर कौन कौन से इन्फॉर्मेशन हमें अवेलेबल होती है। तो यहाँ पर ऑप्शन में देखिए, ऑप्शन ए में कहता है एचपी रेटिंग, ऑप्शन बी कहता है आरपीएम, ऑप्शन सी कहता है फ्रेम मॉडल, और ऑप्शन डी कहता है ऑल ऑप्शंस आर करेक्ट, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी कि ऑल ऑप्शंस आर करेक्ट। लेकिन मोटर के नेम प्लेट पर इन तीन
इन्फॉर्मेशन के अलावा और भी चीज़ें मेंशन की जाती हैं, इसलिए हम नेम प्लेट पर होने वाले मेन मेन इन्फॉर्मेशन को हम यहाँ पर नोट करेंगे ताकि आपको इस टाइप के क्वेश्चन में प्रॉब्लम ना हो। तो यहाँ देखिए, नेम प्लेट पे होने वाले कुछ इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन की लिस्ट। फर्स्ट इज कंपनी या ब्रांड का नेम होगा नेम प्लेट पे, उसके साथ कंपनी का लोगो भी हो सकता है। दूसरी इन्फॉर्मेशन है कि नेम प्लेट पे मॉडल का नंबर भी होगा, नेम प्लेट पे टाइप नंबर होगा। टाइप नंबर रिलेटेड है कि हमारा मशीन सिंगल फेज है या फिर थ्री फेज मशीन है। नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगा ड्यूटी साइकिल। ड्यूटी साइकिल का मतलब ये है कि ये मशीन कितने टाइम तक रन करने पर नेम प्लेट रेटिंग को फॉलो करेंगे। ओके, नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन जो आपको मिलेगा दैट इज फ्रीक्वेंसी। आपको स्पीड मिलेगी इन आरपीएम, आपको वोल्टेज की रेटिंग गिवन होगी, करंट की रेटिंग मिलेगी आपको, उसके बाद पावर रेटिंग या तो किलोवाट में होगा या फिर हॉर्स पावर में। नेम प्लेट पे आपको एफिशिएंसी भी मिलेगी, यहाँ पर पावर फैक्टर भी गिवन होगा और मैक्सिमम एम्बिएंट टेम्परेचर भी गिवन होगा। तो ये सब थे कुछ इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो कि नेम प्लेट पे गिवन होता है। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें नेम प्लेट पे लिखी होती हैं, दैट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट। तो इतना आप याद रखिएगा, मे बी नेक्स्ट किसी एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन फ्रेम कर दिया जाए। ओके, तो बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 67। ये कहता है कि द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन ऑफ अ शेडेड पोल इंडक्शन मोटर इज व्हाट। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए में कहता है कि डायरेक्शन ऑफ रोटेशन कैन नॉट बी रिवर्स अनलेस देयर इज ए प्रोविजन फॉर शिफ्टिंग ऑफ शेडिंग कॉइल फ्रॉम वन हाफ टू अदर हाफ ऑफ द पोल। पिछले लेक्चर में हमने इसको बहुत ही अच्छे तरीके से देखा था, तो आप वहां से इसे समझ सकते हैं। यहां पर सिर्फ मैं आंसर मार्क कर रहा हूं, ऑप्शन ए इज करेक्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 68। ये कहता है कि स्पीड ऑफ सिंगल फेज इंडक्शन मोटर्स कैन बी कंट्रोल्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। ऑप्शन ए में कहता है कि बाय वेरिंग द अप्लाइड वोल्टेज टू द स्टेटर वाइंडिंग। यस, दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। ऑप्शन बी कहता है कि बाय वेरिंग द नंबर ऑफ पोल्स ऑन स्टेटर। यस, दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो करेक्ट। सो ऑप्शन ए या ऑप्शन बी, दोनों में से किसी भी मेथड से हम सिंगल फेज इंडक्शन मोटर के स्पीड को कंट्रोल कर सकते हैं। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 69। ये कहता है कि द वोल्टेज रेटिंग ऑफ सीलिंग मोटर विल बी इन द रेंज ऑफ व्हाट। यानी कि जो सीलिंग फैन में मोटर यूज होता है उसकी क्या रेटिंग होगी। तो आप इसे मार्क करेंगे 50 to 150 वॉट। ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 70 एंड दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस लेक्चर। ये कहता है कि कंसीडर द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ सिंगल फेज मोटर्स। और हमारे पास चार मोटर गिवेन है, कैपेसिटर स्टार्ट इंडक्शन मोटर, कैपेसिटर स्टार्ट एंड रन इंडक्शन मोटर, परमानेंट स्प्लिट कैपेसिटर मोटर और शेडेड पोल मोटर। ये चार मोटर गिवेन है और इस क्वेश्चन में कहता है कि द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ दिस मोटर इन द असेंडिंग ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ स्टार्टिंग टॉर्क इज। यानी कि इन चारों मोटर के स्टार्टिंग टॉर्क को असेंडिंग ऑर्डर में लिखिए, यानी कि बढ़ते हुए क्रम में लिखिए। यानी कि सबसे पहले लोएस्ट स्टार्टिंग टॉर्क वाला, उसके बाद उससे ज़्यादा टॉर्क वाला, उसके बाद उससे ज़्यादा टॉर्क वाला और सबसे लास्ट में सबसे हाईएस्ट स्टार्टिंग टॉर्क वाला। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, दैट इज 4, 3, 2 एंड 1। इसका मतलब शेडेड पोल मोटर का स्टार्टिंग टॉर्क सबसे कम, उससे ज़्यादा स्टार्टिंग टॉर्क परमानेंट स्प्लिट कैपेसिटर मोटर का, उससे ज़्यादा स्टार्टिंग टॉर्क कैपेसिटर स्टार्ट एंड रन इंडक्शन मोटर का और सबसे ज़्यादा स्टार्टिंग टॉर्क, सबसे हाईएस्ट स्टार्टिंग टॉर्क कैपेसिटर स्टार्ट इंडक्शन मोटर का होगा। ओके,
ओके फ्रेंड्स, तो आज की क्लास में बस इतना ही। अभी तक हम लोग 70 क्वेश्चंस देख चुके हैं फ्रैक्शनल किलोवाट मोटर्स एंड स्पेशल मोटर के। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये 70 क्वेश्चंस आपके लिए बेनिफिशियल हैं और ये सफिशिएंट भी हैं। तो यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक करिए, शेयर करिए। यदि अच्छा नहीं लगे तो आप हमें कमेंट में बताएं कि किस तरह की कमी रह गई, ताकि मैं उसे सुधार सकूं और आपके लिए और भी अच्छा कंटेंट प्रोवाइड कर सकूं। थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।